ओम शांति। ओम शांति। आज 20 जून, आज मीठे प्यारे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फलाना क्या कर रहा है, उसने क्या खाया क्या पिया, बाबा कहते हैं वेस्ट नहीं करो अपना टाइम इन बातों में। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? कौन सी श्रीमत है सुमन बहन? सुमन बहन, सुमन सुमनी। हाँ जी, फिर बोलो क्या बोला आपने? हाँ जी सोमा बहन बोलो, सोमा माता जी। किसी पर क्रोध नहीं करना ना, ये बाप की श्रीमत मिली हुई है। और सुनीता माता जी, भगवान का सबसे पहली मत है पवित्र बनना और बाबा का तो श्रीमत पे चलना, जो बाबा ज्ञान देते उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार चलना। अनीता मैं, क्या श्रीमत देते हैं बाबा मनुष्य से देवता बनने के लिए? जितना हो सके रखो। हाँ जी, जितना हो सके बाप की स्मृति रखो, है ना, बहुत अच्छा। और फूला माता जी, जल्दी माता जी। बाबा ने बोला फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, हियर नोएबल दैट नोएबल सी नोएबल। ठीक है, और बाबा कहते हैं कि देवता बनना है तो विकारों का त्याग करना, विकारों का त्याग करना है। और हाँ जी, जो सहन करते हैं, जो सहन करते हैं वो सहन शाह होते हैं। बहुत अच्छा, जो सहन करते हैं, तो श्रीमत मिली है कि सहन करना है तो सहन शाह बन जाएंगे, बहुत अच्छा। हाँ जी पीछे, पवित्र बनना है, ये बाबा की मुख्य श्रीमत है। तो आज बाबा ने चार भाग में श्रीमत दी है। बाबा ने कहा पहला है, बच्चे तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई
आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो बाबा कहते कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है कोई पर क्रोध नहीं करना, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा है किसको भी दुख नहीं देना है, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा है कोई भी फालतू बातें, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल, बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, बाबा कितना सिंपल रीति बिठाता है, कोई हट नहीं करवाता, जैसे मर्जी बैठो। अगर बीमार भी है तो बाबा कहते लेट कर भी सुन सकते हो। बाबा कहते तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहां भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहां भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, जहां भी बैठ जाओ केवल एक बाप की याद अपनी स्मृति और बाप की स्मृति रहे तो यहां से हम ट्रांसफर हो जाएंगे, बैठे बैठे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है माली भी है, बाबा बागवान भी है तो माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी बाबा की याद और 84 का चक्र लगाने से, 84 जन्मों का चक्र लगा लिया, लास्ट जन्म है, अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर होना है, अब ट्रांसफर होने की स्टेज आ गई है। तो यहां बैठो चाहे कहां भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम यह बन रहे हैं। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। कुछ भी काम करो, रोटी पकाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चों को संभालो, परंतु बाबा कहते बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ याद में रहो। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है। आज तक तो सुना था कि भगवान ऐसा नहीं कहता कि एक जगह बैठकर याद करो, वो कहता चलते फिरते याद करो। अब चलते फिरते याद कैसे करें, वो तो पता ही नहीं था। अब बाबा ने कितना क्लियर कर दिया कि चलते फिरते कैसे याद करो, क्योंकि बाप का परिचय भी मिल गया, अपना परिचय भी मिल गया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय भी मिल गया, अब सहज हो गया। अब चलते फिरते याद कैसे करना है वो भी समझ आ गया, अब हर कोई कर सकता है। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है, इसमें और क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं। जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होनी चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना,
किसको दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है। बाबा ने कहा कोई पर क्रोध भी नहीं करना है, किसको दुख भी नहीं देना है, और फालतू बातों बातें इन कानों से सुननी भी नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो, बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी है ना, परचिंतन गॉसिप्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत किया है हमने, परचिंतन बहुत किया है ना। तो बाबा कहते हैं ये झरमुई झगमुई की बातें बहुत सुनी है, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो, है ना। आधा कल्प से यही किया, भक्ति में किसी ने नहीं सिखाया कि भाई झरमुई झगमुई की बातों से तुम्हारी नीचे अवस्था नीचे गिरती है। अब बाप कहता है कि तुम फालतू बातें नहीं करो क्योंकि तुम्हारा समय बहुत वैल्यूबल है। अगर भक्ति मार्ग में ये बातें समझाई होती ना तो भक्ति भी ना करते हैं। नहीं भक्ति तो करते, फिर भी कुछ सुधरे तो होते हैं। हाँ कुछ सुधर जाते, पर ये टाइम है ही नहीं ना, लॉ ही नहीं है वहां पे। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, फलाना ऐसा है उनमें यह है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह है जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है ना, बहुत अमूल्य है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण है। बाबा कहते इनसे ही पद पाएंगे, उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने विलायत में जाते हैं, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं ना विलायत में जाकर ये इम्तिहान देने, ये तो घर बैठे बैठे ही जैसे स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है ना, जैसे घर बैठे बैठे पेपर भी दो सब कुछ दो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो के को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो, है ना। एक दो के सामने बिठाते हैं, किसी के भी सामने जाते हैं बैठते हैं तो भी बुद्धि में कौन हो, बाप की याद हो। संदली पर भी कोई बैठा हुआ हो, कोई मुरली सुना रहा हो तो भी स्मृति में कौन हो, बाबा सुना रहा है, हम बाबा के मुख से सुन रहे हैं, है ना। निमित्त ना नजर आए, केवल बाबा नजर आए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाप की याद में रहो, ये है याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितना सहज है, केवल याद में बैठना है, और बैठे बैठे संस्कार परिवर्तन होते हैं। मेन आधार क्या है, जब संस्कार परिवर्तन होते हैं तो हम कांटों से फूल बन जाते हैं। कितनी अच्छी युक्ति है, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी होती है, तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। अश्व बाबा रूहानी सर्जन भी है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, किसी को देह अभिमान की बीमारी, किसी को काम विकार की बीमारी, किसी को क्रोध की बीमारी, किसी को अहंकार की बीमारी, किसी को लालच की बीमारी। तो बाबा कहते बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं ना, है ना, वीआईपी, उनके कोई फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, और वीआईपी मतलब वीआईपी जो होते हैं उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं अपॉइंट किए हुए। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? अब हमें बीमारी है, बीमारी थी ना अभी, देह अभिमान की बीमारी थी, पांच विकारों की बीमारी लगी हुई थी, है ना, ओवर थिंकिंग की बीमारी लगी हुई थी, ओवर थिंकिंग के कारण टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर हाइपरटेंशन, ये कितनी बीमारियां लगी हुई थी। तो बाबा कहते फिर तुम्हारा सर्जन कौन बना है? भगवान। कितनी बड़ी बात है कि हमारा सर्जन, स्पेशल वीआईपी सर्जन कौन है हमारा? भगवान है। तो वह है अविनाशी सर्जन। वो वाले तो विनाशी है, वो तो खत्म हो जाएंगे, आज है कल नहीं है, पर जो ये अविनाशी सर्जन है, डॉक्टर है, ये सदा कायम रहता है, ये हमेशा दवाई देता रहता है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए
निरोगी बनाते हैं। इस समय दवाई ले ली अगर इस डॉक सर्जन से तो 21 जन्मों के लिए कभी रोग पास में नहीं आएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, केवल यही आधार है। बाकी जो आज तक सुना था कि गंगा स्नान करो तो पाप धुल जाएंगे, नहीं, हो ही नहीं सकता। दान पुण्य करो तो पाप कट जाएंगे, नहीं, हो नहीं सकता। केवल एक बाप की याद से पाप कटते हैं। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे, यह गांठ बांध देनी चाहिए। याद में ही तुम निरोगी बन जाएंगे, जैसे कि पल्लू से ना इसकी गांठ बांध लो कि दुनिया के कोई भी भक्ति कांड से हमारा पाप दग्ध नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। केवल एक बाप की याद ही ऐसा आधार है जिससे हम आत्मा रूपी है ना, इस आत्मा की मैल खत्म हो सकती है, है ना, ये आत्मा रूपी ये धुल सकता है। बाबा कहते भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना। शरीर को दुख होता है, मैंने शरीर के अंदर रोग होता है, तो भोगती कौन है? आत्मा। ये निकल जाती है शरीर को, चाहे आग जला दो तो भी, लगा दो तो भी कुछ महसूस तो नहीं होती, तो महसूस करने वाली कौन? आत्मा। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, सत्युग में आधा कल्प सत्युग त्रेता कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ याद में तत्पर रहो, बस। केवल बुद्धि में एक बाबा, दूसरा ना कोई। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं। बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, जैसे सूख जाते हैं ना, तो बाबा कहते जैसे कि उनके घुट जाते हैं। कई बच्चे फिर समझते हैं हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास, और कई तो फिर कैसे जैसे कि बोल ही नहीं पाते, और कई तो ऐसा समझाते हैं कि एक धक से दूसरे को समझ आ जाता है। यह भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। प्रदर्शनी में जब कोर्स करवाते हैं ना, प्रदर्शनी में बाहर लगाते हैं, कोई स्टैंडिस लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, समझाने के लिए जाते हैं, मार्केट में कहीं लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले प्रदर्शनी में लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह A1 चित्र है, बाबा ने सबसे टॉप का चित्र बनवाया। ये भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथा धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए? जब कह ही दिया इतना लाखों वर्ष, भाई यहाँ तो पिछले जन्म का नहीं याद रहता, तो लाखों वर्ष का कैसे हम याद कर सकेंगे? तो बाबा कहते कि जैसे कि बाबा कहते जैसे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथा धन था, पवित्रता सुख शांति सब थी, परंतु भक्ति मार्ग में सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, तो कोई भी बात याद कैसे आए? यह लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्युग में 1250 वर्ष इनकी डायनेस्टी ने राज्य किया था। 1250 वर्ष है ना सत्युग की आयु, एक युग की आयु 1250 वर्ष है। एवरी युग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में डिवाइडेड है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है, तो टोटल कितना हो गया? 5000 वर्ष।
तो इसलिए बाबा कहते 1250 सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। बाबा वो स्मृति दिला रहा है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था, क्या तुम भूल गए हो? 84 जन्म भी तुमने लिए थे। बाबा ये हमारे लिए कह रहे हैं, सबके लिए। बाबा ये हमें स्मृति दिला रहे कि तुम भूल गए थे, तुमने ही तो 84 जन्म लिए हैं, पूरे 84 जन्म तुम्हारे तो हुए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते ही हैं, 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं? यह बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। अब हमारी कौन सी कला है? चढ़ती कला है, क्योंकि कलाहीन हो गए थे ना, कलयुग में कलाहीन हो गए थे, जीरो कला हो गई थी, पर अब कलावान बनने के लिए अब चढ़ती कला में है ना, वो लिफ्ट में चढ़ गए हैं। गाते भी है चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, फिर शंख आदि बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा, पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, पाकिस्तान में क्या हो गया था, कैसे लड़ाई हो गई थी, कैसे वो डिवाइड हो गया। बाबा ये उस जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तब की बात बता रहे हैं। सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा, अब यह विनाश तो बहुत बड़ा है, पीछे फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया में, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है, बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान तुमको सुनाते हैं। बाकी आज तक जो ज्ञान सुने वो हद के सुने, एक लिमिट था उनका, पर ये जो ज्ञान है वो बेहद का है, जितना बांटो उतना बढ़ेगा। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, वो फलाना राजा ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, वो सृष्टि का भी सुनते आए, तो ये किसको भी पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया। इन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते हैं, तुम अच्छी रीति जानते हो इतने जन्म राज्य किया, फिर यह धर्म होते हैं। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, यहां हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं, टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूं, डबल सिर ताज, दो ताज सिर के ऊपर, वो कौन से, एक है लाइट का ताज जिसको प्योरिटी का ताज कहा जाता है, पवित्रता। इस संगम युग पर भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्रता को अपनाया, एक तो काम विकार छोड़ा, देह अभिमान छोड़ा, ये पांचों विकारों का त्याग किया, साथ साथ अपने अंदर ये शरीर को भी देवी आहार दिया, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। और देखा जाता है जब भी घर में जागरण करवाते हैं माता का, तो क्या करते हैं, लसन प्याज नहीं डालते हैं, 9 दिन नवरात्रे होते हैं, 9 दिन लसन प्याज नहीं डालते, क्योंकि वो देवी को श्रेष्ठ, वैष्णव, बाबा ने कहा वो वैष्णव है जहां लसन प्याज का भी उपयोग नहीं होता। तो हम मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, तो हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, इसलिए बाबा ने ये कहा कि इस शरीर को विषैली चीज कोई देनी ही नहीं है। फिर एक हो गया पवित्रता का, फिर जब हमने ये पवित्रता धारण कर ली, सत्युग में जाएंगे, राजगद्दी मिलेगी,
तो वो राजगद्दी का ताज जिसको रतन जड़ित ताज कहा जाता है, आगे रतन हीरे मोती लगे होते हैं ना ताज में, और पीछे एक सर्कल का ताज होता है, तो ये डबल सिर ताज बाबा हमें बनाता है। तो बाबा कहते लाइट का ताज मिलता है याद से। अब ये लाइट का ताज कैसे मिलेगा? याद से। और याद कैसे बैठेगी? जब पवित्र बनेंगे ना। तो ये लाइट का ताज मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। जो भी हम इस समय कर्म करते हैं, कलयुग में जो भी कर्म होते हैं, वो सारे हमारे विकर्म बनते हैं, और जो भी कर्म हम सतयुग में करते हैं, वो सारे कर्म हमारे अकर्म होते हैं। तो बाबा ने कितना क्लियर किया है बच्चों को, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो वो सारे विकर्म बनता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। कितना छी छी बातें बन जाते हैं, फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भक्त तो सब हैं, सतयुग में भक्त कोई होता नहीं है। भक्ति कलट यहां है, भक्ति का कलट, भक्ति का युग ये है। बाकी सतयुग को भक्ति का युग या भक्ति कलट नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है, वहां ना ज्ञान होता है ना भक्ति होती है, दोनों ही नहीं होता सतयुग में। वहां क्या होता है? सिर्फ जो इस समय ज्ञान प्राप्त किया है उसकी प्रारब्ध हम वहां पर भोगते हैं, है ना, पाते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाने के लिए कह रहा है। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था, विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी, और कोई धर्म नहीं था, है ना। चलो सतयुग का भी छोड़ो, हमारे जो दादा हैं उनके दादा होंगे तो क्या कहते हैं, वो वाला जमाना देखो और आज का जमाना देखो, कंपेयर करते हैं कितना फर्क हो गया है। तो उस जमाने में भी कुछ तो विकर्म होगा क्योंकि वो भी कलयुग में था। तो उससे पहले थोड़ा जाकर देखो और पीछे, तो वो दुनिया कितनी श्रेष्ठ होगी। जब इसको और इस दुनिया को और वो वाली दुनिया को, टाइम को कंपेयर करते हैं, वो तो टाइम को करते हैं, या हमने युग को कंपेयर करना है तो युग कितना श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए बाबा कहते इस समय तो अनेक धर्म है, वे पहले धर्म थे है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की तो बात नहीं। बाबा कहते बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, है ना, अपना सब कुछ गुप्त है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रखेंगे तो माया छीन लेगी, इसलिए पुरुषार्थ भी गुप्त कर रहे हैं। इसलिए गुप्त होने के कारण देवियों को, शिवलिंग को गुफाओं में दिखा दिया है। गुफा अर्थात गुप्त होने का प्रतीक है। तो बाबा भी गुप्त आया हुआ है ना। वैष्णो देवी को भी क्या करते हैं, है ना, गुफा में जाती है, वहां तपस्या करती है। गुफा माना गुप्त रीति से जो पुरुषार्थ किया है, जिसके कारण फिर वो जो कौन होता है, वो हाँ जो असुर होता है, वो असुर क्या वो होता है, वो उसको फिर मारती है ना, उसका संहार करती है। आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पाठ बजाती है, वह अभी देह अभिमान में आई है। बाबा कहते अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा क्या कहते हैं, देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में
विश्व की बादशाही देते हैं। पहले गुप्त पुरुषार्थ किया, फिर गुप्त दान में बाबा ने कहा बादशाही मिलती है विश्व की। तुम्हारा सब गुप्त है, इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं ना, तो गुप्त ही देते हैं। तो हमारा अभी क्या है, सब कुछ गुप्त है। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। दो चार को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। भाई समझा देना आज सभी लक्ष्मी नारायण के चित्र पर, हाँ, क्योंकि बाबा ने आज फोकस ही लक्ष्मी नारायण के चित्र पर किया, क्योंकि ये चित्र जो बनाया है बाबा ने बहुत एक्यूरेट बनाया है, फर्स्ट क्लास बनाया है। तुम चाहते हो ना विश्व में शांति हो, परंतु वह कब थी या किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सत्युग में भैरवनाथ बिल्कुल भैरवनाथ को मारा ना, तो वैष्णो देवी ने तो कैसे मार पाई जब उसने तपस्या की। तो हम भी रावण के ऊपर जीत कैसे पा सकते हैं जब हमारी तपस्या श्रेष्ठ होगी। तो इसलिए अपने विकर्मों को देह अभिमान को छोड़ना है, तभी हम विकारों के ऊपर जीत पा सकते हैं ना। तो हमारा ही यादगार है इस समय का। तो जिसको जो आया कह देते हैं अर्थ कुछ नहीं। सॉरी, बाबा कहते अभी तुम जानते हो सत्युग में पवित्रता सुख शांति सब थे, याद भी करते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, समझते कुछ नहीं। जिसको जो आया कह देते अर्थ कुछ नहीं, यह है ड्रामा, है ना। तो कहते हैं कि कोई अगर मर भी गया तो क्या कहेंगे, जी फलाना स्वर्गवासी गया। और हम कहेंगे जी आप कलयुग में हो, कलयुगवासी हो, नरकवासी हो, कहेंगे तुम बहुत स्वर्गवासी हो, मानते नहीं। और दूसरे को कहते हैं वो मर गया तो स्वर्गवास में हो गया, चला गया, तो फिर आप कहाँ हुए, स्वर्ग कहीं और है तो आप कहाँ हुए, जरूर नर्क में हुए, दो ही चीजें स्वर्ग या नर्क। तो ये समझते नहीं है ना, अर्थ ही नहीं समझते। मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाते हैं, कांटे से फूल बनते हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती माने जो चक्र को जानने वाला, जिसको चक्र प्रदान होता है ना, होता है चक्रवर्ती, जिसकी बुद्धि में पूरा चक्र ज्ञान का ज्ञान हो। बनाने वाला कौन, स्वयं बाप है। वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने। सत्योग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, फेस चाहे जितना भी गड़बड़ वाला हो, परंतु वो जब श्रृंगार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका फेस ही ऐसा है, है ना, ऐसा नेचुरल लगने लग जाता है। परंतु बाबा कहते वो सब है आर्टिफिशियल श्रृंगार। क्या क्या फैशन निकला है आज तो देखो, हर चीज का फैशन है, हर चीज का। कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल बहुत पर्दे में रहती थी कि कोई की नजर ना पड़े, और आज वो सब वस्त्र उठ गए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा सीता का हरण हो गया ना आजकल, तो सीता का हरण होने से क्या हो गया, शोक वाटिका में चल गई, हर टाइम दुख है, हर टाइम दुख है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो जहां तहां गंध पड़ गया है। बाप कहते हैं हियर नो इविल। राजा के में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। यहां तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया कहते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य हैं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने हाथ पकड़ा है।
है ना, वो विषय वैतरणी नदी में नहा रहे थे, डुबकियां मार रहे थे, पता नहीं था। अब वो खिवैया आया नाव लेकर और जाते जाते हमारा पकड़कर हमें अपनी नाव में डाल लिया। बाकी दुनिया वाले तो उस वैतरणी नदी में, विषय वैतरणी नदी में ही गोते खा रहे हैं, पर हम खिवैया बाप के साथ उसकी नाव में बैठ गए हैं ना। तो कितने सौभाग्य की बात है, हाथ दिया, पकड़ा और बिठा लिया अपनी नैया में। अब लेकर जा रहे क्षीर सागर की ओर, विषय वैतरणी नदी से क्षीर सागर की ओर लेकर जा रहे। तो हम सौभाग्यशाली हुए ना। तुम ही कलप कलप निमित बनते हो, तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे मुख्य, ये देह का भान जो रखते हैं, मैं ये, मैं वो, फलाना ऐसा। उसके बाद ही सब भूत आते हैं, फिर उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बेईमानी, लालची, ठगी, चोरी, चकारी, क्या क्या आ जाता है फिर पीछे, अनेक आ जाते हैं। मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह कोई कड़वी दवाई नहीं है, है ना। कई बार तो क्या होता है, ज्यादा करना पड़ता है, पर ये कड़वी दवाई नहीं है। केवल क्या करना है, बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, कभी टांगे थकेंगी नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो, तुम जानते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाप के पास आए हैं और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। जो सदैव बाप की याद में रहते हैं, जो सदा सर्विसेबल हैं, उनके मुख से सदा कौन से शब्द निकलेंगे, ज्ञान के शब्द निकलेंगे। पर चिंतन उनके अंदर नहीं होगा, पर दर्शन उनके अंदर नहीं होगा, केवल स्वदर्शन और प्रभु दर्शन होगा, प्रभु चिंतन होगा। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। झरमुई झरमुई झगमुई किसको कहते हैं, जैसे गॉसिप्स करते हैं ना, चुगली करना, है ना, एक दूसरे की बात करना। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। अगर ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, माना समझ लेना कि पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की बातें ही ऐसी है जो पुष्प बरसाते हैं, बाकी सब है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं, या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रतन देंगे। अब बाबा हमारे ऊपर चॉइस छोड़ रहे हैं, आपको पत्थर मारने हैं या ज्ञान रतन देने हैं। जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते, ऐसे रतन जिसकी वैल्यू को कभी, जैसे कि उसका मूल्य भी नहीं दे सकते ना, कभी उसका गायन कर सकते हैं। एक बाबा का बड़ा अच्छा गीत है ना, तेरा प्यार वो बाबा जो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से, दिखलाया नहीं, समझाया नहीं जा सकता, तो कितना अच्छा है। तो ये ऐसा ज्ञान है जिसका कभी कथन ही नहीं हो सकता, जिसको समझा मना ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ क्या मिला इससे। जैसे कहते हैं ना, अंदर वो खुशी का पारा चरम सीमा पर होता है, पर मुख से वो शब्द नहीं निकलते भी मिला क्या हमें, वो बता नहीं सकते। मेरे पास कहते हैं शब्द नहीं है कि क्या समझाएं हम आपको। तो ऐसे बाबा कहते हैं बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, वे है भक्ति। पत्थर ही बाबा कहते हैं पत्थर ही लगाते रहते हैं ना, तो बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है, आधा कल्प गाते आते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे, तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। मंदिर में गए
जी आरती चल रही है, लगे हुए हैं करने, और अर्थ कुछ भी नहीं समझा। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से ही भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका फिर ब्राह्मण कुल है ना, इसलिए बाबा हमें ये विश्व का बादशाही देने के लिए फिर ब्राह्मण भी रचते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा भी रचते हैं तो ब्राह्मण भी रचते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं इसलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मण है चोटी, इसलिए उनको यहाँ पे चोटी दिखाते हैं। चोटी माना ऊंच श्रेष्ठ, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या दिखाते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ ऊंच, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य पांव शूद्र, तो ये शरीर के अंदर डिवाइडेड है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और नीचे पांव शूद्र। तो इसलिए बाबा कहते विराट रूप भी ऐसा होता है ना, विष्णु का ऐसा विराट रूप दिखाते हैं, चित्र है जिसमें सब कुछ दिखाया, ऊपर चोटी में ब्राह्मण, फिर ऐसे विराट रूप दिखाते हैं उसमें, ऊपर में बाबा, फिर संगम योगी ब्राह्मण जो इसकी ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी डिग्री, लक्ष्मी नारायण भी डिग्री कम है। देखो बाबा ने कहा ब्राह्मण से डिग्री कम है हम लक्ष्मी नारायण की, और तो वो देवता हैं परंतु उनकी ब्राह्मणों से डिग्री कम है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के साथ स्वयं भगवान है, इसलिए। तो बाबा कहते क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है और ब्राह्मणों में ज्ञान है, ज्ञान ब्राह्मणों में है परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, इन्होंने ज्ञान से यह पद पाया है, अज्ञानी नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में परंपरा से चला आता, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों को सब राज सब युक्तियां बतलाते हैं, ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो, एक चित्र पर ही आपस में बैठ बात करेंगे तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, जो इस कुल का होगा वे अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। बाबा कहते हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, बीच में ये है संगम युग जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तो ये जैसे कि कहते हैं इधर कलयुग का गेट उधर सतयुग का गेट बीच में है, अब यहाँ पे ट्रांसफर होने का युग है, तो ये संगम युग पे हम अभी चेंज हो रहे हैं, वस्त्र चेंज कर रहे हैं, ड्रेसिंग अपनी चेंज कर रहे हैं, संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं, जो पुराने संस्कार थे उसको छोड़ रहे हैं और नए संस्कार अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। तो मेन आधार किसका है, संस्कार परिवर्तन। आज तक गुस्सा करते थे अब गुस्सा नहीं करना है, आज तक बॉडी कॉन्शियस में रहे अब सोल कॉन्शियस में रहना है, ठीक है। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम बनते हो इस युग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार पहला पॉइंट है, ज्ञान की बातों के सिवाय
ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है, और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रतन निकलते रहें, मुख से सदैव रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं। दूसरा है सर्विस के साथ साथ, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे, स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, 21 नशे में व खुशी में रहना है। वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा। आज तो बाबा जादू मंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहां भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। है ना, घर में अगर कहते हैं जी शांति नहीं है तो उसके शांति पाठ रखवाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं शांति का, मंत्र ही तो उच्चारण करते हैं, और उन मंत्रों से क्या होता है, वो वाइब्रेशन फैलती है। और यहां बाबा कहते ये याद का महामंत्र करो, सदा बुद्धि में याद समाई रहे तो अंदर भी सुखी तो बाहर भी सुखी। तो जैसे कि एक हवन कर रहे हो यहां बैठे बैठे, तो जैसे कि एक विधि है ना, याद की विधि है, तो यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, है ना, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी सारी। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। याद में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सदा याद में रहना ये बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सदा याद में रहने से। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सदा याद में रहो तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज का स्लोगन है सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना, है ना, शक्ति है ना ये कछुए वाली, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो ये है बाबा कहते सेकंड में ये सार, विस्तार को सार में ले आना, ये है अंतिम सर्टिफिकेट लेना। तो लास्ट में ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि कैसे आपने कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया।
ठीक है। ओम शांति। आज मातेश्वरी जी का